गंगा सवेरा में हम आपको बताएंगे हर एक खबर, एक घंटे अगले एक घंटे लगातार हर खबर का हर अपडेट एकदम नए अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और बात करते हैं हापुड़ की, जहां रामा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात बेकाबू हो गए। अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस में ही इलाज के लिए मरीज तड़प रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा। वहीं इस मामले में जब हापुड़ की सीएमओ रेखा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कोविड संक्रमण को देखते हुए कैमरे पर बाइट देने से मना कर दिया और बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है, मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ऐसे हालात में स्थिति कब सुधरेगी। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में मरीज इलाज का इंतजार कर रहे हैं। दो वीडियो हापुड़ के हम आपको दिखा रहे हैं। मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, एम्बुलेंस में ही मरीज तड़प रहे हैं। ये मरीज है हमारा, ये व्यवस्था चलेगी तो हम अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाते हैं, कैसे पूर्ति करवा पाएंगे। तो देखिए सीएमओ जो है वो कह रही है कि वीडियो का संज्ञान लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि किसी कुछ पता नहीं है, सभी को सब पता है। लखनऊ से लेकर हापुड़ तक, दिल्ली से लखनऊ तक, सबको सब मालूम है कि व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से मरीज एम्बुलेंस में तड़प कर मर रहे हैं, अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, ठेले और रिक्शों पर मर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था में बैठे बड़े बड़े लोग हैं वो केवल आंकड़ों का, बयानों का तमाशा कर रहे हैं और उस तमाशे में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। तो पहला वीडियो आपके सामने है कि डॉक्टर अपनी दलील दे रहे हैं, दूसरा वीडियो बदहाली की। लेकिन डॉक्टर्स की भी यहां पर गलती ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अस्पताल में सरकार बेड बनाकर नहीं देगी तो डॉक्टर क्या करेंगे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, तड़प रहे हैं एम्बुलेंस, अंदर जाओ तुरंत, लेके आओ अंदर, जाओ तुम मचाओ तार हंगामा तो होगा, देखा जाएगा आज। पेशेंट को लेके जाओ, पकड़ के लाओ उसे, बुला के लाओ, कुत्ता बड़ा डॉक्टर हूं। खाली सिलेंडर लाके लगा दिया ना ऑक्सीजन पे, बताओ बताओ उनसे पूछो ना, अटेंडर से बात करो, बात नाम बताओ, राहुल नाम है मेरा भैया, ये कौन है तुम्हारे पेशेंट का, और ये सिलेंडर क्या, उनसे क्या, ये सिलेंडर में बताइए। तो तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं और जिन पर जिम्मेदारी है वो पूरी बेशर्मी के साथ लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ बड़ा शानदार चल रहा है। बात लखीमपुर की करते हैं, यहाँ पर तमंचे पर डिस्को हो गया, वायरल वीडियो शादी समारोह का है जहाँ तमंचे पर डिस्को हो रहा है, साथ ही यहाँ कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में तमंचे के साथ डांस करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, थाना परसगवा इलाके के रामनगरिया गांव का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें देखिए लखीमपुर खीरी की, कोरोना नियमों की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, तमंचे पर डिस्को हो रहा है, बैंड बज रहा है और एक शख्स हाथ में तमंचे लेकर डांस कर रहा है। डांस में इसको ये नहीं पता कि नाम ऊपर मास्क है, महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना से तो डर जाता कम से कम। और अब बात प्रयागराज की, जहां मेजा तहसील के उरुवा विकास खंड के परवाह गांव में चुनाव जीतने के बाद जश्न में हर्ष फायरिंग हुई। जिस तरह से हर्ष फायरिंग की जा रही है उसके वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध हथियार से फायरिंग की गई है और अब फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमंचे से फायरिंग करता ये शख्स प्रयागराज का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है, हालांकि इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस तरह की झूठी शान दिखाई जाती है। और अब बात आगरा की, जहां पर अवैध तमंचा हाथ में लहराते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसके बाद हड़कंप मचा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में दहशत फैलाने के लिए युवक अवैध तमंचा दिखा रहा था और तमंचा लेकर घूम रहा युवक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है। तो नशा चढ़ चुका है अब क्योंकि प्रधान बन गए हैं, 5 साल कोई कुछ बोलना नहीं है। और आप सोचिए कि जो खुलेआम अवैध तमंचा लहरा रहे हैं
वो अपनी ग्राम पंचायत का क्या करेंगे, लूट कर खा जाएंगे। और यही पंचायतों की किस्मत भी होती है, जो प्रधान बनता है उसकी तो पीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन गांव जस के तस रहते हैं। कोई बड़ी योजना आ जाए तो भले गांव का विकास हो जाए, पर पंचायत स्तर पर क्या होता है किसी छिपा नहीं है। और ये तवंचे वाली तस्वीरें बताती हैं कि मानसिकता कितनी आपराधिक है। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां मछेहा हरदोपट्टी में जीते हुए प्रधान ने महारैली निकाली। जीते हुए प्रधान ने अपने पूरे ग्राम सभा में जुलूस निकाला। इस जुलूस को लेकर विवाद भी हुआ, तो साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग की जो निर्देश थे उनकी धज्जियां उड़ा दी गई। चुनाव के बाद प्रधान ने जुलूस निकाला। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और इस जुलूस में आप देख सकते हैं किसी के मुंह पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। हालांकि इस जुलूस के दौरान विवाद भी हुआ, विवाद का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बैंड बाजे के साथ ये जुलूस निकाला था प्रधान का चुनाव जीतने के बाद। और अब बात सीतापुर करते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर विजय जुलूस निकाले गए। पहला जुलूस NH-24 पर निकला, थाना कमलापुर के सामने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 50 से विजयी होने के बाद भाजपा समर्थक दीपक शुक्ला ने जुलूस निकाला, अपनी जीत का भी और कानून व्यवस्था का भी। इसी क्रम में थाना इमलिया सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत हाजीपुर बेलगवा में नवनिर्वाचित प्रधान जहीर खान ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाल दिया। इसी थाना के सोनारी में नवनिर्वाचित प्रधान गीता देवी के समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला। सैकड़ों बाइक के संग विजय जुलूस निकालते रहे, कोरोना फैलाते रहे। थाना तालगांव की ग्राम पंचायत रखौना में जीती नवनिर्वाचित प्रधान कमर जहां और BDC ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। ये चंद उदाहरण है, कई गाँव में विजय जुलूस खुलेआम निकाले गए। और इन तस्वीरों को भी आप देखिए और जरा याद कीजिए, जब मतदान हुआ प्रशासन बेफिक्र था, मतगणना हुई प्रशासन बेफिक्र था, और अब जुलूस निकल रहे तब भी प्रशासन बेफिक्र है। तो किसी को आपसे मतलब है नहीं, अपनी जान आप खुद बचा लीजिए तो ठीक, वरना ऑक्सीजन और बेड के लिए भटकते फिरेंगे, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। तो अपनी जान की परवाह कीजिए, जीता कोई और है, उसके लिए नाचकर अपनी जान को आप खतरे में मत डालिए। और अब बात मुरादाबाद की, जहां के मछोला थाना के लाइन पर इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नाबालिग लड़का 12 साल की नाबालिग लड़की की जमकर पिटाई कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की से लड़का छेड़खानी कर रहा था, जिसका लड़की ने विरोध किया तो लड़के ने लात घूंसों से लड़की की पिटाई कर दी। और ये तस्वीरें CCTV में कैद हो गई, मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। तो नाबालिग लड़का है ये जो लड़की से छेड़खानी कर रहा था, और तस्वीरें देखिए आप कितनी बेरहमी से ये लड़की को मार रहा है। तो मुरादाबाद की तस्वीर है, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की जमकर इसने पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस क्या कर रही है ये भी एक सवाल है। पेशेंट का नाम था अवनी, 12 साल की लड़की है वो, ठीक है। और 4 तारीख में एडमिट हुई थी, 4 तारीख में उनको रेफर कर दिया गया, रेफर टू हायर सेंटर के लिए। तो उनकी हालत खराब थी, झगड़े का मामला था, उसको कोई पीट रहा है, बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ है। और अब बात मेरठ की, जहां पर खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें करीब एक दर्जन लोग हाथ में लाठी डंडा लिए एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, काफी देर तक लाठी डंडे चले, लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनता रहा। हालांकि जब लाठियां चल रही हों तो कोई बचाने जाने का खतरा ले भी कैसे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बवाल होता रहा, लाठियां चलती रहीं, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये तस्वीर है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की कुछ खास खबरों की सुपरफास्ट अंदाज, चलिए शुरुआत करें। कुशीनगर के जिला अस्पताल की हालत खस्ता है, यहाँ पर जमीन पर कई गंभीर मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चादर बिछाकर जमीन पर मरीज लेटने को मजबूर है। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत, निजी संस्था के सहयोग से शुरू हुए प्रयास से ऑक्सीजन में जो दिक्कतें हो रही है वो कम होगी।
भदोही जनपद के L2 कोविड अस्पताल का डीएम और सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मरीजों की ओर से ये शिकायत की गई कि अस्पताल में सही तरीके से साफ सफाई नहीं की जा रही है। इस पर डीएम ने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का निर्देश दिया। गाजीपुर के एसपी ने कहा है कि पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए 12 बेड का कोविड अस्पताल खुलेगा। वहीं एसपी ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन से बचे हुए पुलिस कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। गोंडा में एसपी पुलिस बल के साथ कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को चेतावनी दी। साथ ही जो लोग गरीब और असहाय दिखे उन्हें एसपी ने मास्क भी बांटे। पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने कहा है कि मैं सिद्धार्थ नगर गया था और वहां मैंने देखा कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मैंने देखा कि यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए अब इन सबके लिए 1 करोड़ की धनराशि अपनी निधि से दे रहा हूं। आजमगढ़ में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। इसको लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने जगह जगह मस्जिदों पर जाकर इमाम से मिलकर कोरोना संक्रमण के संबंध में गाइडलाइंस के पालन की बात कही। गोरखपुर में जिला पंचायत चुनाव की मतगणना में धांधली का आरोप लगा है। आरोप है कि हारे हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। आरोप लगाने वाले 2 प्रत्याशी और उनके समर्थक ब्रह्मपुर ब्लॉक के नई बाजार में धरने पर बैठे। देवरिया के एक गांव में पिता के ग्राम प्रधान निर्वाचित होने पर उनके बेटे ने गांव के विकास के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए दिए। बेटे ने कहा कि राजनीति को सेवा भावना से देखना चाहिए। बस्ती में पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रधानों ने जमकर चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई और विजय जुलूस निकाला और अब विजय जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये रही बात पूर्वांचल की, कुछ और अहम खबरें उनका रुख कर लेते हैं। यूपी में कोरोना से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे होनी है। सुनवाई में 2 अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 3 दिन पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने यूपी में ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत पर गहरी नाराजगी जताई थी। यहां तक कह दिया था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतें आपराधिक कृत्य हैं और ये नरसंहार की तरह है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को अस्पतालों में बेडों की स्थिति, ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था और दवाओं और इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में ब्यौरा पेश करना होगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर 8 जिलों के काउंटिंग सेंटर्स की CCTV फुटेज भी कोर्ट में पेश की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट में जानकारी भी देनी होगी कि मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ उसने क्या कार्रवाई की है। तो आज फिर से सुनवाई है और लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, फटकार पड़ रही है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, क्या हालात हैं यूपी में कोरोना से, ये किसी से छिपा नहीं है। हाईकोर्ट भी लगातार सुनवाई कर रही है, फटकार लगा रही है, जवाब मांगे जा रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत के मामले में सुनवाई होगी। साथ ही जो मतगणना थी पंचायत चुनाव की, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हुई, इसके मामले में सुनवाई होगी। क्या किस वक्त ये सुनवाई होगी और सरकार की ओर से क्या पक्ष रखने की तैयारी है? देखिए, जो सुनवाई है वो सुबह 11 बजे शुरू होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी और इसमें मुख्य तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको अपना पक्ष रखना है और साथ ही साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको जवाब दाखिल करना है। अगर हम कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करें तो जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जैसे पिछली सुनवाई हुई थी जिसमें हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी और यहां तक कह दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं वो आपराधिक कृत्य है और किसी नरसंहार से कम नहीं है, तो शायद इसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो सरकारी अमला है वो शायद कुछ हरकत में आए और सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब आज दिया जाए कि किस तरह के इंतजाम और बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके की सुविधाएं और बढ़ाई जा रही हैं। और दूसरी बात है कि जो काउंटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी
उसको भी लेकर के आज 8 जिलों के जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को दी जानी है। बिल्कुल, कोर्ट उन्हें देखेगा, उसके बाद जो है तय करेगा कि क्या कुछ कार्रवाई, कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर आप नजर बनाए रखेगा। और उम्मीद करते हैं अब अफसरों से भी कि वो आंकड़ों के खेल से निकल कर जमीन पर काम करें, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए। लखनऊ में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे में कोरोना से राजधानी में 65 लोगों की जान गई है। जिले में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में केस कम हुए हैं। यूपी में 24 घंटे में 26,780 नए केस मिले, जबकि 28,902 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 24 घंटे में 353 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक प्रदेश में कुल 14,501 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। मौजूदा वक्त में प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,59,844 पहुंच चुकी है। और रोज की तरह सीएम टीम 9 की बैठक करेंगे आज, और बैठक में कुछ नए निर्देश जारी हो सकते हैं। ऑक्सीजन, बेड, वैक्सीन पर निर्देश आ सकते हैं। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी, सीएम आवास पर बैठक का आयोजन होगा। तो टीम 9 की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, और बीते एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हालांकि पहले टीम 11 होता था और अब टीम 9 कर दिया गया है। तो कई महत्वपूर्ण इसमें निर्देश दिए जा सकते हैं और कोविड से निपटने पर रणनीति बन सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश जुड़ गए हैं। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, लखनऊ में जिस तरह से कोरोना का कहर बरपा है वो छिपा नहीं है। आंकड़ों की बात करें, आंकड़े भले ही कम है लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 65 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर, कितनी भयावह स्थिति है, और आखिर ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा? क्यों व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है? इनमें वो भी होंगे जो ऑक्सीजन की कमी से जिनकी जान गई होगी, किसी ने बेड न मिलने की वजह से दम तोड़ा होगा, तो कैसे रोक लगेगी आखिर? देखिए, पहले तो हम ये क्लियर करें कि ये जो 65 मौतें हैं ये वो मौत हैं जो अस्पताल में भर्ती मरीज थे या जिनकी इसके अलावा जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली है। जैसा अभी आपने कहा कि जिनको बेड नहीं मिला होगा, देखिए जिनको बेड नहीं मिला, जो होम आइसोलेशन में है उनमें से अधिकतर का आंकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग के है ही के पास रहता ही नहीं है कि इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों में, मौत के आंकड़ों में उन मरीजों को गिरता है ज़्यादातर जो अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि जो भर्ती नहीं है उनको वेरीफाई करने में इन्हें समस्या आती है। तो अगर होम आइसोलेशन के मरीजों को ले लिया जाए या उन मरीजों ले लिया जाए जिन्हें किसी भी वजह से बेड नहीं मिल पाया समय पर, तो ये आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा और भयावह हो जाएगा। ये 65 मौतें सिर्फ वो है। दूसरी चीज अगर बात करें इन 65 मौतों की, तो हर घंटे जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, सिर्फ उसके हिसाब से भी देखिए तो लखनऊ में खाली हर घंटे लगभग 3 लोग की मौत का एवरेज है ये 24 घंटे में, जो बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। गिनती में कोरोना के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं साफ बताता है कि कहीं ना कहीं हालत जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है उन मरीजों की जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसके चलते ये मौत हो रही है। इन 65 लोग की अगर मौत की बात करें 24 घंटे की खाली, जो पूरे प्रदेश में अब तक हुई है उनकी हम बात नहीं भी करें तो भी। शैलेश, छोटा सा एक सवाल कि आज टीम 9 की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, तो क्या और कुछ अहम निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री रोजाना बैठक में कुछ नए निर्देश दे रहे हैं। जैसे कभी इसके आंशिक कोरोना कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाने की बात कही जाती है, कभी ऑक्सीजन जो है उसके लिए ग्लोबल टेंडर की बात होती है, कभी वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की बात होती है। रोज नए निर्देश हैं। हालात की समीक्षा के बाद आज भी समीक्षा होगी, जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखा जाएगा और उसके आधार पर आगे के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार और नौकरशाही की ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो लहर नंबर 2 है वो तो नहीं संभल रही है लेकिन तीसरी लहर की भी दस्तक होने वाली है। ऐसे में जरूरत है कि तीसरी लहर पर भी अब चर्चाएं शुरू हो जाएं और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है दूसरी लहर की चुनौती, लेकिन तीसरी लहर भी आ रही है और कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसे में अब सरकार को वक्त से पहले जागना होगा। बिल्कुल, और चलिए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज क्या खास है। तो खास बातें बताते हैं, अहम बातें बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 अहम मुद्दों पर सुनवाई होनी है, दवा ऑक्सीजन की किल्लत के मामले पर सुनवाई, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पंचायत चुनाव को लेकर भी आज कोर्ट सुनवाई करेगा। पंचायत चुनाव के दौरान कई कर्मचारियों की मौत हुई, इसे लेकर कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है।
दूसरी अहम खबर, आज प्रदेश में लॉकडाउन का सातवां दिन है। आज भी हमेशा की तरह जरूरी सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। 10 मई तक इसी तरह प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ते कोरोना की वजह से जारी रहेगा। आज सीएम टीम 9 की बैठक करेंगे। बैठक में कुछ नए निर्देश जारी हो सकते हैं। ऑक्सीजन, बेड, वैक्सीन पर निर्देश आ सकता है। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी और सीएम आवास पर बैठक का आयोजन होगा। अगली अहम खबर, आज से वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के आवेदन होंगे। 4 करोड़ वैक्सीन के लिए आज से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 21 मई तक किए जा सकते हैं आवेदन। सरकार ने ग्लोबल टेंडर की पहल की है और वैक्सीनेशन को लेकर ये पहल की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम है। चलिए अब नजर डालते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है। तो आज सीएम तीरथ सिंह रावत समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत मंथन करेंगे। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहेंगे और समीक्षा बैठक का समय भी तय नहीं किया गया है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार हैं, बर्फबारी के भी आसार जताए जा रहे हैं। कल भी कई इलाकों में बारिश हुई थी और बादल फटने की घटना भी सामने आई है। तो ये यूपी और उत्तराखंड की वो अहम खबरें हैं जिसपे एबीपी गंगा की नजरें लगातार रहेंगी। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन आ जाएगा।